अपुन किधर था मालूम नहीं, अपुन को बस काम मारनी थी। और ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, बड़ी सीजन हो गई ना सेकंड सीजन। आई थिंक गायतोंडे का ऐसा है कि वो कभी भी मतलब पढ़ता जाता है, लॉस होते रहते हैं, बढ़ता जाता है, वो उस तरह का है उसका, वो एक अजीब सी एक वो है उसके अंदर, जिद है, तो आगे रास्ता ढूंढ लेगा गायतोंडे। अच्छा, सेकंड सीजन में बोले दो गेम ओवर। और ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, बड़ी सीजन हो गई ना सेकंड सीजन, तो इसलिए थोड़ा और ज्यादा टेंशन। अच्छा है, मतलब आई लव डायरेक्टिंग, तो कभी भी लगता है कि यार मैं भी सेट पे जाऊँ कुछ तो करूँ, ना कि थोड़ा खून बहा दूँ। हर शो को एक शो रनर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पीछे बैठ के यू नीड टू बी एबल टू स्पेंड टाइम ऑन द स्क्रिप्ट्स एंड स्पेंड टाइम ऑन द एडिट्स एंड स्पेंड टाइम विद यू नो ऑल्सो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो कहीं ना कहीं एक चाहिए डेडिकेटेड शो रनर। भगवान को मानते हो? पर कभी सोचा है कि भगवान किसको मानता है? एज एन एक्टर उसमें काफ़ी लाइक जो फिल्म में एक टाइमिंग की टाइम के वजह से जो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं इमोशंस के, उनको टच करके जस्ट आ जाते हैं, ऐसा होता है। बट इसमें एज एन एक्टर मैंने ये महसूस किया कि आप बहुत ज़्यादा और डिटेल में एक पॉसिबिलिटीज रहती है आपकी, आप जा सकते हैं। यू नो फर्स्ट में क्या था, क्योंकि फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि कैसे किया जाए उसको। सेकेंड सीजन में ये था कि आपको मालूम है कैरेक्टर की स्पाइन, मालूम है आपको उसका फाउंडेशन, मालूम है, लेकिन वो ईज जो है वो उसका आप गलत तरीका ना इस्तेमाल, एक ईज जब आ जाता है तो वो टेक ऑन फॉर ग्रांटेड ना हो जाए, ऐसा ना हो, ये ख्याल रखा उस चीज़। नो, इट्स वेरी डिफरेंट। आई थिंक एज अ सीरीज इज अ एक शोनर, एक राइटर का एंड एक्टर का मीडियम। आई फेल्ट व्हेन दिस, व्हाट आई फेल्ट व्हेन दिस वन पर्सनल थिंग, जब मैं फर्स्ट सीजन डायरेक्ट कर रहा था, लग रहा था कि आई हैड टू चेंज माई अप्रोच स्लाइटली, कि जब अगर फिल्म में मैं 10 शॉट ले लूँगा तो इसमें मेरे को 4-5 शॉट में अपना निकालना पड़ेगा, यू नो, बट यू हैव टू ट्रस्ट द एक्टर लॉट मोर देन व्हाट यू डू इन फिल्म। फिल्म में काफ़ी कवरेज कर लेंगे यहाँ से वहाँ से, यहाँ पे यू रियलाइज, आई रियलाइज वेरी अर्ली कि इट्स अ राइटर्स मीडियम फर्स्ट एंड देन इट्स एन एक्टर्स मीडियम आफ्टर दैट। तो क्या एक्टर को एक जो छठे एपिसोड में वो सीन में इतना, एंड दैट टू अगर सीजन टू में देखो, अगर सीजन टू के छठे एपिसोड में आप कितना इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो ना वो सीन में, फॉर एन एक्टर इट्स अ लवली way of performing, because it's all about history in your head, na? So, wo history sab mein leke jo aap perform kar rahe ho wahan pe. And I think that is a lovely medium. I think as an audience member, I think the relationship you form with these characters is also something that you, jab ban jata hai, and then you like those relationships, you want to keep coming back to those relationships, which is why Game of Thrones is the greatest thing, yeah. Because we all want to know what's going to happen now. We all have our personal favorites there. We all have people that we want to ke na mare. There's a lot of that, so it's a wonderful medium. बोले दो। बहुत सारे characters हैं जो एक season, एक मतलब सिर्फ एक को नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जिससे भी relationship हुई वो पूरी ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके हुई है, तो in terms of for a young director, it depends on your आपका मतलब गोल क्या है ना लाइफ में, आपको फीचर में बनानी है तो ट्राई दैट वे, बट आइदर विच वे इट्स ग्रेट एक्सपोजर ऑन एवरी लेवल, फॉर एन एक्टर इट्स फैंटास्टिक, फॉर अ राइटर इट्स फैंटास्टिक, फॉर अ डायरेक्टर इट्स फैंटास्टिक, एंड द ऑडियंस इज देयर। हेलो, कौन? गायतोंडे भाई?